हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, रोज सिर्फ 5 मिनट फेस योगा करें चेहरे को सुंदर और कई साल जमा दिखाने के लिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। समय के साथ बुढ़ापा आना एक आम बात है। एक समय के बाद चेहरे की रंगत खोने लगती है और चेहरे पर महीन रेखाएं आने लगती हैं और चेहरे की त्वचा अलग हो जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई कितना भी चाह ले, लेकिन इससे बच नहीं सकता। बाजार में कई एंटी एजिंग क्रीम्स मिलते हैं जो त्वचा को जमा दिखाने के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि एजिंग प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता और ज्यादा क्रीम्स का इस्तेमाल करने से उनके साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। लेकिन ये भी सच है कि एजिंग प्रोसेस को धीमा किया जा सकता है। इसके लिए प्राचीन काल से ही फेस योगा का सहारा लिया जाता है। अगर आप रोज सिर्फ कुछ मिनट तक ही फेस योगा करते हैं तो लंबे समय तक जमा बने रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई हीरो और हीरोइंस फेस योगा करते हैं जिससे उनकी स्किन जमा बनी रहती है। जो फेस योगा किया जाता है तो इससे स्किन में कसाव आता है जिससे झुर्रियां आधी दूर हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है जिससे एजिंग प्रोसेस धीमी हो जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इफेक्टिव फेस योगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला, बलून फेस। इस योग के लिए आप मुंह में जितनी ज्यादा हो सके हवा भरकर मुंह फुला लें और लगभग 10 सेकंड तक ऐसे ही मुंह में हवा भरकर रखें। इस दौरान आपको अपनी सांस रोक कर रखनी है। 10 सेकंड बाद मुंह से हवा बाहर निकाल दें। आपको ऐसा रोज लगभग 10 बार करना है। इससे आपके चेहरे पर एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होगा और इसे कील मुहासे आदि भी नहीं होते। नंबर 2, स्माइलिंग फिश पोज। इसके लिए आपको अपने गालों को मुंह के अंदर खींचकर अपना चेहरा एक मछली की तरह बना लेना है। जब तक आप ऐसा कर सके उतने समय तक आपको ये पोज मेंटेन करनी है, फिर आपको नॉर्मल पोज में आ जाना है। ये फेस योग आपको लगभग 5 मिनट तक रोज करना है। ये फेस योग करने से आपके चेहरे में कसाव आएगा और मांसपेशियां भी मजबूत बनेगी। नंबर 3, लायन फेस पोज। चेहरे से एक्स्ट्रा फैट हटाने के लिए और उसको जवां और खूबसूरत बनाने के लिए सिंहासन पोज बहुत ही असरदार मानी जाती है। इसके लिए आपको घुटने मोड़कर जमीन पर बैठ जाना है और अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लेने हैं। फिर अपना मुंह खोलकर अपनी जीभ को जितना बाहर निकाल सकते हैं निकालिए और शेर जैसी दहाड़ लगाइए। आपको ये पोज भले ही फनी लगता हो, लेकिन यकीन माने कि इसे अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपके चेहरे से झुर्रियां, एक्स्ट्रा फैट आदि दूर हो जाएंगे और आपकी स्किन में कसाव भी आएगा। नंबर 5, बुद्धा पोज। बुद्धा पोज करने से आपकी स्किन पर निखार आएगा और आपका चेहरा आकर्षक बनेगा। इस योग के लिए आप आराम से बैठ जाइए और अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। फिर अपना ध्यान अपनी दोनों आईब्रोज के बीच लगाइए। आपको कुछ देर ऐसे ही रहना है। ये पोज करते हुए आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए। इस योग को आप रोज कीजिए। इससे आपकी एजिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाएगी और ये आपके स्ट्रेस को भी कम करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।